कहाँ जाएं हट के हम सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग सबको मारे दो है तो अभी हम जा रहे हैं खेत पे और ये व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने खत्म करा है रास्ते में से ही तो आज ही का ये दूसरा व्लॉग है खेत पे जा रहे हैं हम लोग बुआ जी के और क्या अंकल बढ़िया मजे में तो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे ये घर के वहीं बैठती है और ये अभी हमारे साथ में खेत पे जा रही है ऐसा इनका कहना है मैं बेचारी मेरी पाँव की बिछिया ठीक करने मेरे गई तो इनको देखो कैसे आगे आगे भाग रहे कोई परवाह ही नहीं है कुछ परवाह ही नहीं है जरा सी भी ये हमारे खेत पे जाने का रास्ता है ऐसा इसीलिए हम साइड साइड से होके जा रहे हैं आगे एक के पीछे एक लाइन बना के और भाई साहब जी सबसे आखिरी में पहले हम मेरे खेत पे गए थे एक बार आपने व्लॉग देखा होगा बस वहीं पे फिर से जा रहे हैं लेकिन अब क्या है कि वो रास्ता कुछ ज्यादा ही खराब हो गया तो अब खेत खेत में होके जाएंगे ये देखो ये खेत खेत और ये खेत खेत में जो रास्ता बना हुआ है हाँ हेड़ा इसको गाँव में हेड़ा बोलते हैं ये जो होता है ना इसको गाँव में हेड़ा बोलते हैं देखो भाभी ओ भाभी हम सुबह जब खेत पे गए थे ना तो हम यहाँ से नींबू तोड़ के लाए थे ये नींबू भी है और भी नींबू हो रहे उधर से एक कुत्ता चिल्ला रहा था उसके बावजूद भी हमने यहाँ से नींबू तोड़ लिए कुत्ता चिल्ला रहा था हाँ नींबू इधर बताओ ये नींबू खेत में नुकसान भी कर का घणो खतरनाक लुकू ना लेते तुम्हारे अच्छा ए मनीषा तन याद है अपने इधर बहुत सारे पेड़ होते थे ना अपन वहाँ से गुण तोड़ तोड़ के खाते थे अब तो सारे पेड़ काट दिया यार इन लोगों ने रोड वालों ने मैंने भी खाया है बचपन में मेरी मासी के साथ पे जाती थी खेत पे ये जो रास्ता है नी इस पे बहुत सारे पेड़ थे उन पे गुण लगता था हम खाते थे रोज मेरे पापा ने स्टोरी सुनाई थी मतलब ऐसे जब मैं बहुत छोटी थी ना हाँ इसी का खेती बड़ी होंगी मैं हाँ तो मतलब हम यहाँ पे आए थे ना बड़े पापा के यहाँ पे हाँ तो उन्होंने बताया था कि यहाँ तो बहुत सारे पेड़ काट दिए कि हमने तो बहुत गूंद खाया यहाँ पे तोड़ तोड़ के हाँ बहुत सारे गूंद होता है आगे एक बोर थी नी वहाँ की बोर कितनी बढ़िया हाँ मस्त बोर थी वहाँ की वो तो भाभी हाँ? कूदने का विचार हो रहा बहुत ज्यादा कूदो कुछ नहीं है नीचे कांटे होंगे हाँ नहीं कांटे नहीं है डूबूंगी तो सही तैरना थोड़ी आता है हाँ तो फिर भाई साहब जी आपको बचाएंगे टेंशन मत लो भले मैं मर जाऊँ मेरा कुछ ख्याल नहीं है हाँ इतना गहरा नहीं है अरे गड़ जाओगे कीचड़ बहुत हो रहा है पड़ी जाओगा अरे नहीं अभी गांव में रह सकती हूं सही में सही में खाई जाओ कुलदीप राव गन अरे हां उसमें कसम खाने के दो तेरा मोबाइल देख यहां पे पत्थर है यहां पत्थर है यस यस होंगे होंगे ए तेरा मोबाइल नहीं रे अभी फोटो वोटो कहीं नहीं तुम इस तरह आ सकते हो टराए टराए साड़ी है हाथ फुंदा के ना गिर जाऊंगी तो यहाँ आ गए हम लोग और विशाल भैया थक गए बेचारे रिकॉर्ड करते करते इतना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है मैंने तो खेत पे आ गए और अभी वहाँ पे उस पे गए थे उसको क्या बोलते हैं माली भाषा में होदड़ो ने होद पे गए थे अभी हम पांव धोने के लिए अभी पतिदेव लाए हैं अपनी पत्नी के विश्राम के लिए पलंग ये देखो कोई पत्नी के विश्राम के लिए नहीं लाए वो भाइयों के साथ कभी विश्राम करेंगे उनका जी घबरा गया चलो बैठने थोड़ी देर हम 1 hour later यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हमने टाइम पास कर लिया और अब हम जा रहे हैं घर ये पलंग रखेंगे उसके बाद आएंगे तो हम चलते हैं टाटा बाय बाय आराम से आना फिर कौन रखेगा ये घर आगे हो गए पहले ही आखिरकार इनको ही रखना पड़ा वैसे कोई इतना भारी नहीं था
और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, इधर पानी है, ये यहाँ पे आके घूर के देख रहे हैं। और मनीषा अपने उनसे बात कर रही है, उनसे अटने थोड़ा कॉलिंग अटने बता देना, हाय कर दो, जमी साहब हाय। ये सोचा था पानी पूरा भरा जाएगा लेकिन पानी भरा है नहीं, ऊपर से डोला डोला लगे तो भराएगा का। है मेरा खरगोश। खिंचवा रहे हैं वहाँ पे, और चलो अपने तो चलो आगे आगे वहाँ चलो चलो। मैंने अभी देखा है आपने कि किस तरीके से साड़ी को ऐसे यहाँ पे टक कर रखा है, सब गंवार लग रही हूँ, ऊपर से वेट भी अब मेरा इतना बढ़ता जा रहा है, मैं खुद परेशान हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। एक्सरसाइज करी थी फिर वापस बंद कर दी, तो इससे तो ज़्यादा वेट बढ़ रहा है मेरा। तो यहाँ से जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ये जो फोटो खींचने के लिए रुके थे ये भी अब भाग रहे हैं क्योंकि पानी आने वाला है, फुरफुर सी हो रही है बारिश, मेरी साड़ी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, मैं भाग नहीं सकती ना तो ये सब लोग भाग रहे हैं, चप्पल उतार के भागने की तैयारी। छोड़ के कोई नहीं भाग रहा है, पानी आ रहा है, मोबाइल गीले हो जाएंगे, प्लास्टिक भी नहीं अपने पास, मोबाइल तो मेरे पास ही था, मैं को छोड़ के भागो। कहाँ जाए हटके हम, चलो अच्छा हुआ पानी नहीं आया, इसी का अपनी जूतियां उठा के जा रही है। अरे बस रहने दे, मतलब लो मैं और भाई साहब जी खाएंगे, मैं दोनों खा लेगा, तू शेखर खा ले, मैं नहीं खा रहा, थोड़ी सी खा लो आप, शेखर कंद है मेरी, मेरी एनर्जी खत्म, जल्दी जल्दी चलना पूरा हो गया खत्म मेरा, और ये सब लोग वापस से आगे हो गए, जस्ट पहुंच ही गए हैं घर के पास में, बहुत ही पास में आ गया है घर, चप्पल कब से हाथ में लेके चल रही हूँ मैं भी, भगवान बस कुछ काटे नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं पाणक कर रही हूँ, भाई 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 भाई। तो अभी कतरी बज रही, दस रात की 10 बजे, खेत पे से आने के बाद में रात की 10 बजे, देख लो खाना खाने बैठे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। A few moments later, एक और ये भी ले लो, इसको भी धोना अच्छे से है नहीं, खाना वाना हो गया फाइनली, अब बर्तन धुल रहे हैं, रात की 11 बजे। तो गाइस व्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो बोल ही दिया करना, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर लेना, लाइक शुभ रात्रि, सब्सक्राइब कमेंट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट टाइम।